और अगली खबर भी दुर्ग से ही है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ, यहाँ पर ओमान में बंधक महिला जो है उसे आजाद करा लिया गया और उसकी सकुशल प्रदेश वापसी हो गई है। तो महिला दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची, विधायक राकेश सेन ने रिसीव भी किया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, उसके बाद महिला की सहायता की गई, उसे लाया गया प्राथमिकता से नजर खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। ओमान में बंधक बनाई गई थी ये महिला, जिसे सकुशल प्रदेश लाया गया है। दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर विधायक राकेश सेन ने रिसीव भी किया। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये असर देखने को मिला। मुंगेली में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हुई है। टंकी निर्माण कार्य में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। लोरमी के देवरहट गांव में घटिया निर्माण की शिकायत मिली थी और ये शिकायत मिली तो उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब जो हैं उन्होंने जायजा लिया, मौके पर गए थे, चीजों को समझा, देखा। अरुण साहब ने गुणवत्ताहीन पानी टंकी को बाद में तोड़ने के निर्देश दे दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर वाकई में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, कभी भी ये गिर सकती है। अगर गुणवत्ता खराब होगी तो पीएचई विभाग के अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। घटिया निर्माण को मानक तरीके से निर्माण हो ये कहा है और घटिया निर्माण तोड़ा जाए ये कहा है। तो घटिया निर्माण की शिकायत मिली थी और निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे और उसके बाद ये टंकी तोड़ने के निर्देश दिए। साफ तौर से कहीं ना कहीं ये संवेदनशीलता भी सरकार की दिखाता है कि किस तरह से एक एक चीज में संज्ञान लिया जा रहा है और आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस वजह से तुरंत संज्ञान इसमें लिया गया और टंकी को तोड़ने के निर्देश भी दिए गए और गुणवत्ता के साथ आगे काम हो, इसके निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे चलते हैं।